टू ऑल माई ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से कार्ड्स रीडिंग, और ये कार्ड्स रीडिंग आप सभी के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, कि कौन है जो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कौन है जो आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। ये कौन पर्सन हैं जो आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं? थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स को, कौन पर्सन मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो फ्रेंड्स, जो भी पर्सन हैं जो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इनका ऑरा एंजेलिक है, इनको हर कोई पर्सन पसंद नहीं आता है, इनको हर कोई लेडी पसंद नहीं आती है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, हर लड़की इनकी लाइफ में एंट्री नहीं कर सकती है, और हो सकता है कि इन्होंने अभी तक अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए भी खोले नहीं हों। इनको अभी तक कोई ऐसी लड़की समझ में ही नहीं आई है जिसके आगे ये अपना लव ऑफर कर सकें, अपना दिल दे सकें उसको। बहुत वाइज पीपल हैं ये बहुत सोच विचार के अपना दिल किसी ऐसे पर्सन को देना चाहते हैं जिससे कि उसकी इनकी मैरिज भी हो सके। ये चाहते हैं अपने आसपास एक ऐसी लड़की को जो इनकी कास्ट में हो, इनकी फैमिली में एडजस्ट कर सके, इनको सपोर्ट दे सके, और ये पर्सन वो सारी खूबियां जो हैं आप में देखते हैं और ये आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। ये आपके किसी दूर की रिश्तेदारी में हो सकते हैं, या आपके किसी रिश्तेदार से इनका जुड़ाव हो सकता है, किसी ना किसी रिश्तेदार के थ्रू या किसी फ्रेंड के जरिए इन्होंने आपको देखा हो, आपसे मिले हो, आपसे बात हुई हो, आपसे हाय हेलो हुई हो, तभी से आप इस पर्सन के दिलो दिमाग पर छाई हुई हो और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ये लव अफेयर में बिलीव नहीं करते हैं, ये सीधा सीधा आपको अपना मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको एंगेजमेंट रिंग देना चाहते हैं, आपको सीधा अपने घर की रानी बनाकर लाना चाहते हैं। ये बिलीव करते हैं शादी के बाद के अफेयर में, शादी से बाद की मोहब्बत में। तो ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। अगला कार्ड है ऑल टाइड अप। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए ये मैसेज है कि ये जो भी फीमेल पर्सन हैं ये बहुत साय लेडी थी या लड़की थी, लेकिन अब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है ये कि पहले ये गांव की भोली भाली हों, तब आप इन पर कोई फोकस ना करते हों, लेकिन इन्होंने आपके लिए खुद को चेंज किया है, ये आपके लिए खुद को ढालना चाहती हैं, ये आपके हिसाब से बनना चाहती हैं, आपके अकॉर्डिंग बनना चाहती हैं, और इसके लिए इन्होंने जो भी इनके पुराने नर्चर था, इनका मतलब जिस तरीके से इनकी परवरिश की गई थी उससे ये बाहर निकली हैं,
और ये इसलिए बाहर निकली हैं, इन्होंने अपने अंदर इसलिए चेंज किया है कि ये आपके काबिल बन सके, ये पर्सन, ये फीमेल पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहती हैं, ये आपके आसपास हो सकती हैं, आपके पड़ोसियों से हो सकती हैं, और ये पर्सन, ये फीमेल आपको मैरिज ऑफर देना चाहती हैं, ये आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहती हैं, आपसे शादी करना चाहती हैं, या फिर आपको एज ए मैरिज पार्टनर के रूप में देखती हैं। इनको अपने मैरिज पार्टनर में जो भी खूबियाँ चाहिए वो सारी की सारी आपके अंदर हैं, इसलिए ये फीमेल चाहती हैं कि आपसे इनकी शादी हो और ये आपको अपना एंगेजमेंट रिंग पहनाएं, आपसे शादी करें, आपको मैरिज का प्रपोजल दें। अगला कार्ड है फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो ये जो पर्सन हैं ये बहुत फैशन फ्रीक हैं और इनका ऑरा एंजेलिक है। ये लाइफ को बहुत ही लाइट हार्टेड होकर जीना चाहते हैं, ये किसी चीज़ का अपने ऊपर वर्डन नहीं रखना चाहते हैं। इनके दिल में जो होता है ये बोल देते हैं, ये कोई भी बात को छुपा कर नहीं रखते हैं। इनकी आदत है कि जो भी है मुंह पे बोलो, पीठ पीछे बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो इनके रिश्ते बड़े ही गिने चुने हैं, पाक साफ हैं, इनके रिश्तों में कोई झोल झाल नहीं है और ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। हो सकता है कि आपका नेचर भी ऐसा ही हो, आप एकदम ब्लंट बोलती हो, मुंह पे बोलती हो, आपको जो कहना होता हो आप सामने कहती हैं, आप नहीं सोचती हैं कि सामने वाला क्या फील करेगा, लेकिन आपको जो ट्रुथ होता है वो आपको बताना होता है, आपको कहना होता है, इसलिए आप अपने ट्रुथ का साथ देती हैं। आपको जो कहना है आपने कह दिया, बात खत्म। तो ये जो पर्सन है ये आपके अंदर अपने जैसे गुण देखते हैं, आपके अंदर अपने जैसे ट्रेट्स देखते हैं, आपके अंदर अपनी जैसी सारी खूबियां देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ये चाहते हैं कि आपसे इनकी शादी हो, ये आपको अपना मैरिज प्रपोजल भेजना चाहते हैं किसी के थ्रू, या फिर ये खुद ही आपको बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे कि ये पर्सन कहाँ से हो सकते हैं, ये कौन हो सकते हैं और कहाँ से हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पर्सन हैं जो आपको प्रपोजल दे रहे हैं, ये या तो आपको किसी हिल स्टेशन पर मिले होंगे, या आप किसी ऐसे इलाके में जाते होंगे जहाँ पर हिल्स हों, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिले हो सकते हैं। और ये पर्सन आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, ये बहुत दिनों से अपने अंदर जिस बात को छिपाए हुए हैं, जिन भावनाओं को ये दबाए हुए हैं, उनको ये दबाते दबाते अब बहुत परेशान हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि ये जो सोच रहे हैं आपके लिए ये आपको बता दें, लेकिन इनको लगता है कि अभी टाइम सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। जब वक्त सही आएगा तब ये आपको अपने जज्बातों के बारे में बताएंगे। और ये पर्सन या तो किसी ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर हैं,
शिमला मंसूरी या फिर राजस्थान, जोधपुर, किसी भी ऐसी सिटी से हों या किसी ऐसी कंट्री से हों जहाँ पर हिल्स बहुत हैं, झील बहुत हैं, और ये पर्सन जो आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, ये सोल्जर हो सकते हैं, ये नेवी में हो सकते हैं, ये सोल्जर हो सकते हैं, या इनका आर्मी से बैकग्राउंड हो सकता है कि इनकी फैमिली में इनके फादर या इनके बड़े भाई या फिर कोई ऐसा पर्सन आर्मी में ज़रूर से है या फिर वो नेवी में है। इनकी फैमिली मेंबर्स, मोस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स या तो पुलिस में हैं, आर्मी में हैं या फिर नेवी में वर्क करते हैं। अगला है नंबर 5। तो ये जो पर्सन है ये आर्टिस्टिक हैं, कलाकार हैं, और ये या तो यूट्यूबर्स हैं, या ये यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन अपना नाम कमाना चाहते हैं फिल्मों में, या ये किसी भी तरीके से ये कला से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि ये रंगमंच पर अपनी प्रस्तुतियां देते हों, हो सकता है कि ये स्कल्पचर बनाते हों, मूर्तियां बनाते हों, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है ये पर्सन जो करते हैं। और ये नाटक अभिनय से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ये इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, और ये काफ़ी इमोशनल पर्सन है। टीवी सीरियल्स में काम कर सकते हैं ये, या अपना इनका कोई छोटा सा या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जिससे इनको पॉपुलैरिटी मिली होगी। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आप देखिएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपके आसपास है। ये जो पर्सन है ये बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा वाइज हैं, इनको गॉड में, एंजल्स में बहुत बिलीव है, इनको कर्मा पर भी बहुत बिलीव है। इनको ये पता है अच्छे से कि ये जो भी कर्मा करते हैं या जो लोग जैसे भी कर्मा करते हैं वो पलट कर उनकी ओर आते हैं। और इतने वाइस पीपल होने के बाद इन्होंने कुछ ऐसी खूबियाँ आपके अंदर देखी हैं, कुछ ऐसे आपके अंदर ट्रेट्स देखे हैं जो इनको बहुत पसंद है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स भी स्पिरिचुअल हों, और इसी चक्कर में स्पिरिचुअलिटी के ही चलते आप दोनों में एक्सचेंज होता हो बातों का, आप दोनों एक अच्छी कंपनी देते हो एक दूसरे को, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो या फिर अपने वर्क प्लेस की ऐसी ही किसी टॉपिक की बातें आप लोग करते हो जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब लाती हो, या फिर आपको ये लग सकता है इस पर्सन से बात करके कि इसकी बहुत सारी बातें, बहुत सारे शौक, बहुत सारी आदतें आपसे मिलती जुलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो लोग जो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके अंदर मैरिज पोटेंशियल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू आपके कमेंट्स के लिए, मैं सभी को प्रॉपर कमेंट्स रिप्लाई करती हूँ, और दिल से आभार, दिल से शुक्रिया आप सबका इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। थैंक यू माय सोल फैमिली।